नमस्कार, हलचल में आपका स्वागत है। सबसे पहले नजर डालते हैं अपने शहर और आसपास की हलचल पर। अमृतसर में दिवाली की रात गोलियां चलाकर व्यक्ति का कत्ल करने वाले दो मुख्य आरोपियों को पुलिस ने किया काबू। दो पिस्तौल, 32 बोर, 4 मोबाइल फोन, 2 इंटरनेट डोंगल की बरामद। अमृतसर के गुरु बाजार में लुटेरे लाखों का सोना लूट हुए फरार, कारिंदे से जमकर की मारपीट। विजिलेंस ब्यूरो अमृतसर रेंज ने इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट के जेई और क्लर्क को रिश्वत लेते रंगे हाथों किया काबू। रिश्वत के 50,000 रुपए भी किए बरामद। और अब हलचल विस्तार से। अमृतसर में दिवाली की रात थाना डी डिवीजन के नजदीक जुआ लूटने की नीयत से दो पक्षों में खूनी झड़प हुई थी, जिस दौरान 20 से 25 गोलियां भी चली थी और एक व्यक्ति की मौत हो गई थी। उस मामले में पुलिस ने अब दो मुख्य आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इस संबंध में जानकारी देते हुए डीएसपी सिटी डॉक्टर प्रज्ञा जैन ने बताया कि दिवाली की रात जो गोलियां चलने का मामला सामने आया था, वह दो पक्षों में आपसी रंजिश के कारण विवाद हुआ था। इस मामले में पहले भी पुलिस ने गिरफ्तारियां की थी और अब इस मामले में दो मुख्य आरोपियों को काबू किया गया है, जिनकी पहचान प्रमोद कुमार उर्फ लाडी और सिमरनजीत सिंह उर्फ सैमी के रूप में हुई है। पुलिस ने इनके पास से दो पिस्तौल, 32 बोर, 4 मोबाइल फोन, 2 इंटरनेट डोंगल भी बरामद किए हैं। फिलहाल पुलिस ने दोनों आरोपियों से आगे की पूछताछ शुरू कर दी है, ताकि इस मामले में जो और भी व्यक्ति भगोड़े हैं उन्हें जल्द गिरफ्तार किया जा सके। अमृतसर से हलचल के लिए सुनील खोसला की रिपोर्ट। तुहानू याद होना है कि 12-13 नवंबर दिवाली दी दरमियानी रात नू एक सेंसेशनल क्राइम होया सी, जेच फायरिंग हुई सी ते एक बंदे दी अनफॉर्चुनेट डेथ हो गई सी। उस केस च ओदे रिगार्डिंग जड़ी FIR रजिस्टर हुई सी, वो FIR नंबर 132 डेटेड 13/11/23 अंडर सेक्शन 302, 307, 160, 323, 24, 148, 149, 473 IPC ते 25/27, 54/59 आर्म्स एक्ट वो रजिस्टर होया सी। से उसी केस च जड़े दो मेन एक्यूज्ड सी जिन्हा हु वर एक्चुअली रिस्पॉन्सिबल फॉर द मर्डर, दे हैव बीन अरेस्टेड। ये जड़ा केस है वो क्रैक किता है, एंड दो जड़े मेन एक्यूज हले तक रेंदे सी मर्डर करण वाले, उन्होंने आप 4 महीने बाद भी अगर आप फड़ रहे हैं, सो यू कैन सी वी विल नॉट लीव एनीवन। अर्लियर वी हैड स्केड्यूल्ड दिस प्रेस कॉन्फ्रेंस अ बिट अर्लियर, बट बाद चेनो डीले इसी करके किया है क्योंकि वी वॉन्टेड टू गिव यू नो मोर डिटेल्स। सो जिन्ना जल्दी साडे कोल इन्फॉर्मेशन आंदी है एंड वी आर एबल टू शेयर इट विद यू, वी गिव इट टू यू। अमृतसर के गुरु बाजार में दुकानदार के कारिंदे से अज्ञात नौजवानों की तरफ से लाखों की लूट की गई। लुटेरे लाखों का सोना लूटकर फरार हो गए, तो वहीं अज्ञात नौजवानों ने युवक को गली में ले जाकर बुरी तरह से मारपीट भी की। पुलिस ने मौके पर पहुंच मामले की जांच शुरू कर दी है। अमृतसर से हलचल के लिए सुनील खोसला की रिपोर्ट। सोने की लूट हुई है, किसी कारीगर को सोना खो के ले गए हैं, अजय तस्दीक कर रहे हैं। ਐਸਐਚ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਫੋਨ ਆਇਆ ਸੀ ਤੇ ਉਹੀ ਮਤਲਬ ਮੌਕਾ ਵੇਖਣ ਡਿਆ ਵੀ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕਰਨ ਡਿਆ ਵੀ ਕਿੱਥੇ ਹੋਈ ਆ, ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਦੀ ਲੁੱਟ ਹੋਈ ਆ ਜੀ? ਕੋਈ ਕੁਝ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਇਹ ਅਜੇ ਕਨਫਰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ ਵੀ ਕਿਹੜੇ ਹਸਪਤਾਲ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਆ ਤੇ ਲੁੱਟ ਹੋਈ ਕਿਹੜੀ ਥਾਂ ਤੇ ਜੀ? ਇਹ BK ਸਕੂਲ ਦੇ ਲੱਗੇ ਦੱਸਦੇ ਕਿਤੇ। पंजाब विजिलेंस ब्यूरो ने राज्य में भ्रष्टाचार के विरुद्ध चल रही मुहिम के दौरान अमृतसर इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट में तैनात जेई जगजीत सिंह और क्लर्क संजीव कुमार को 50,000 रुपयों की रिश्वत लेते रंगे हाथों काबू किया है। इस संबंध में जानकारी देते हुए विजिलेंस ब्यूरो अमृतसर रेंज के SSP गुरसेवक सिंह बराड़ ने बताया कि उक्त कर्मचारियों को अमृतसर नवा कोट के रहने वाले इंदरजीत सिंह द्वारा दर्ज करवाई गई शिकायत के आधार पर गिरफ्तार किया गया है। शिकायतकर्ता ने विजिलेंस ब्यूरो अमृतसर रेंज के पास पहुंचकर आरोप लगाया था कि उक्त कर्मचारी रेलवे लिंक रोड अमृतसर में एक प्लॉट के मालकी हक संबंधी NOC जारी करने के बदले 50,000 रुपयों की रिश्वत की मांग कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि इस शिकायत की प्राथमिक जांच के बाद विजिलेंस टीम ने जाल बिछाया, जिसमें जेई जगजीत सिंह और क्लर्क संजीव कुमार को सरकारी गवाहों की मौजूदगी में शिकायतकर्ता से 50,000 रुपयों की रिश्वत लेते रंगे हाथों काबू किया गया। उन्होंने बताया कि इस संबंधी विजिलेंस ब्यूरो के थाना अमृतसर रेंज में भ्रष्टाचार रोको कानून के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है और आगे की कार्रवाई की जा रही है। अमृतसर से हलचल के लिए सुनील खोसला की रिपोर्ट। अमृतसर इंप्रूवमेंट ट्रस्ट के दो ऑफिशियल जी
ਜੇਈ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਤੇ ਸੇਲ ਕਲਰਕ ਸੰਜੀਵ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰੈੱਡ ਹੈਂਡਡ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ 50,000 ਰੁਪਇਆ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਇੱਕ ਕੰਪਲੇਨਰ ਨੇ ਨਵਾਂਕੋਟ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਲਾਟ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ NOC ਦੇਣੀ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਦਾ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਆਫ ਦੈਟ ਪਲਾਟ, ਅਤੇ ਉਹ NOC ਦੇ ਬਦਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੈਸੇ ਡਿਮਾਂਡ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ 1,00,000 ਰੁਪਇਆ ਡਿਮਾਂਡ ਕੀਤਾ, ਬਾਅਦ 50,000 ਰੁਪਇਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅਸੈਪਟ ਕਰ ਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ। ਉਦੋਂ ਉਸ ਦੌਰਾਨ ਸਾਡੀ ਟੀਮ DSP ਸਾਹਿਬ ਦੇਵਦੱਤ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਸਾਰੀ ਟੀਮ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੈੱਡ ਹੈਂਡ ਨੈਪ ਕਰ ਲਿਆ ਜੀ। ਜੇਈ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਐਂਡ ਇੱਕ ਸੇਲ ਕਲਰਕ ਨੇ ਜੀ ਸੰਜੀਵ ਕੁਮਾਰ। ਇਹ ਪਲਾਟ ਦੇ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਦੀ ਸੀਗੀ ਜੀ, ਰੇਲਵੇ ਲਿੰਕ ਪਲਾਟ, ਰੇਲਵੇ ਲਿੰਕ ਰੋਡ ਤੇ ਪਲਾਟ ਹੈ। ਇਹ ਫਿਰ ਵੀ ਮਤਲਬ NOC ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੀਗਾ ਇਸ਼ੂ, NOC ਦਾ ਇਸ਼ੂ ਸੀ, NOC ਪਲੱਸ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਆਫ ਦਾ ਪਲਾਟ, ਓਨਰਸ਼ਿਪ ਜਿਹੜੀ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਸੀ ਰੇਲਵੇ ਲਿੰਕ ਰੋਡ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਲਾਟ ਸੀਗਾ ਜੀ, ਉਹਦੀ ਓਨਰਸ਼ਿਪ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਓਨਰਸ਼ਿਪ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਇਹ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਜੀ, ਓਨਰਸ਼ਿਪ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੈਸੇ ਡਿਮਾਂਡ ਕੀਤੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਜਲੰਧਰ ਕੇ ਮਾਡਲ ਟਾਊਨ ਸਥਿਤ ਮਾਲਾਬਾਰ ਗੋਲਡ ਐਂਡ ਡਾਇਮੰਡਸ ਮੇ ਰਵੀਵਾਰ ਕੋ ਬ੍ਰਾਈਡਲ ਜਵੈਲਰੀ ਸ਼ੋਅ ਕਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਸ਼ੋਅ 17 ਫਰਵਰੀ ਕੋ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁਆ ਥਾ ਜੋ 3 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ। ਇਸ ਉਪਲਕਸ਼ ਮੇ ਸ਼ੋਰੂਮ ਮੇ ਆਯੋਜਿਤ ਸਮਾਰੋਹ ਮੇ ਮਿਸ ਇੰਡੀਆ 2021 ਕੋਨਿਕਾ ਸਾਈ ਮੁੱਖ ਰੂਪ ਸੇ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਈ। ਸ਼ੋਅ ਮੇ ਜਵੈਲਰੀ ਕੇ ਸ਼ੌਕੀਨ ਗ੍ਰਾਹਕੋ ਨੇ ਵੀ ਪੂਰੇ ਜੋਸ਼ੋ ਖਰੋਸ਼ ਕੇ ਸਾਥ ਭਾਗ ਲਿਆ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕੋਨਿਕਾ ਸਾਈ ਨੇ ਬ੍ਰਾਈਡਲ ਜਵੈਲਰੀ ਕੀ ਗ੍ਰੈਂਡ ਲਾਂਚਿੰਗ ਕੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਮਿਸ ਇੰਡੀਆ 2021 ਨੇ ਉਨਕੀ ਔਰ ਸੇ ਲਾਂਚ ਕੀ ਗਈ ਬ੍ਰਾਈਡਲ ਜਵੈਲਰੀ ਕੋ ਪਹਿਨ ਕਰ ਵੀ ਦੇਖਾ। ਵਹੀ ਕਸਟਮਰਸ ਨੇ ਵੀ ਲਾਂਚ ਕੀ ਗਈ ਜਵੈਲਰੀ ਕੋ ਪਹਿਨ ਕਰ ਦੇਖਾ। ਸਾਥ ਹੀ ਸਾਥ ਗ੍ਰਾਹਕੋ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਸੰਦੀਦਾ ਜਵੈਲਰੀ ਕੀ ਜਮ ਕਰ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਵੀ ਕੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਪਰ ਸੈਲੀਬ੍ਰਿਟੀ ਮਿਸ ਇੰਡੀਆ 2021 ਕੋਨਿਕਾ ਸਾਈ ਨੇ ਸ਼ੋਰੂਮ ਪ੍ਰਬੰਧਕੋਂ, ਸਟਾਫ ਔਰ ਗ੍ਰਾਹਕੋ ਕੀ ਉਪਸਥਿਤੀ ਮੇ ਕੇਕ ਕਟਾ ਔਰ ਸਭੀ ਕੋ ਬ੍ਰਾਈਡਲ ਜਵੈਲਰੀ ਕੀ ਲਾਂਚਿੰਗ ਕੀ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਵੀ ਦੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਸੈਲੀਬ੍ਰਿਟੀ ਕੋਨਿਕਾ ਸਾਈ ਔਰ ਗ੍ਰਾਹਕੋ ਨੇ ਬ੍ਰਾਈਡਲ ਜਵੈਲਰੀ ਪਹਿਨ ਕਰ ਰੈਂਪ ਵਾਕ ਵੀ ਕੀਆ। ਜਲੰਧਰ ਸੇ ਹਲਚਲ ਕੇ ਲਈ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਸੁਦੇਸ਼ ਭਗਤ। आई एम कॉनिका साई, मिस इंडिया 2021 और आज हम आए हैं अगेन मालाबार जो कि ब्राइडल ज्वेलरी लॉन्च करने। थैंक यू सो मच, उन्होंने मुझे दोबारा इनवाइट किया। मैं पहले भी उनकी पोल की ज्वेलरी को लॉन्च कर चुकी हूँ और अब फिर से मैं उनकी ब्राइडल ज्वेलरी को लॉन्च करने आई हूँ। थैंक यू सो मच। नमस्कार, मैं मालाबार से कशिश बात कर रही हूँ। जैसे कि आपको कॉनिका साई जी ने बताया कि हम यहाँ पर ब्राइडल कलेक्शन लॉन्च कर रहे हैं, आपको मैं बता दूँ कि ब्राइडल कलेक्शन में गोल्ड, डायमंड्स, हीरा, फुल्की हर चीज़ में आपको ब्राइडल डिज़ाइंस मिलेगी। इवन नेकलेस से लेकर रिंग्स तक आपको हर कलेक्शन मिलेगी एंड हमारे कुछ कलेक्शन ऑलरेडी डिस्प्ले है। ये ब्राइडल कलेक्शन जो है वो स्टिल 3 मार्च तक चल रही है। तो आई रिक्वेस्ट टू ईच एंड एवरीवन, प्लीज जॉइन अस एंड वंस अगेन विजिट अ मालाबार गोल्ड एंड डायमंड जलंधर स्टोर। वेद प्रचार मंडल पंजाब द्वारा डॉक्टर उदयन आर्य प्राचार्य गुरु विरजानंद गुरुकुल महाविद्यालय करतारपुर के सानिध्य में आर्य समाज के संस्थापक महर्षि दयानंद सरस्वती जी की 200वीं जयंती के उपलक्ष्य में PCMST कॉलेज फॉर वुमन जालंधर में अंत महाविद्यालय वैदिक भाषण प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता डॉक्टर नवजोत प्रिंसिपल लायलपुर खालसा कॉलेज फॉर वुमेन जालंधर ने की। मुख्य अतिथि डॉक्टर सुधीर शर्मा, आर्य मॉडल हाई स्कूल जालंधर के प्रधान डॉक्टर शिवदयाल माली ने दीप प्रज्वलित कर समारोह का उद्घाटन किया। प्रिंसिपल डॉक्टर पूजा पराशर एवं श्री रजनीश आर्य ने ड्रॉ निकालकर और प्रतियोगियों को बैच प्रदान करके प्रतियोगिता का शुभारंभ करवाया। इस प्रतियोगिता में 21 महाविद्यालयों के छात्रों ने जन जागृति के नायक महर्षि दयानंद सरस्वती, स्वतंत्रता आंदोलन में आर्य समाज की भूमिका, वसुदेव कुटुंबकम सहित संस्कृति से जुड़े अन्य विषयों पर भाषण दिए। प्रोफेसर डॉक्टर उषा अवस्थी, प्रिंसिपल डॉक्टर नरेंद्र संधू, प्रोफेसर सरोजनी ने निर्णायक की भूमिका निभाई। मुख्य अतिथि सुधीर शर्मा, प्रसिद्ध समाज सेवक रंजीत आर्य एवं अन्य अतिथियों का स्वागत मंडल के संस्थापक रोशन लाल आर्य, राकेश चांदना, ज्योति स्वरूप कंबोज, गुरुशरण सिंह, स्माइली मेहता, बॉबी मल्होत्रा, कमलेश गुप्ता, रीना वर्मा, सुनीता पाहवा एवं अन्य पदाधिकारियों ने किया। मुख्य अतिथि सुधीर शर्मा ने विजेताओं को पुरस्कार वितरित किए। जालंधर से हलचल के लिए कैमरामैन सुदेश भगत की रिपोर्ट। मैं डॉक्टर नवजोत, प्रिंसिपल लायलपुर खालसा कॉलेज फॉर वुमेन जालंधर। आज वेद प्रचार मंडल वालों करवाए जा रहे भाषण मुकाबले जड़े
महर्षि दयानंद सरस्वती जी की 200वीं जयंती के उपलक्ष्य में करवाए जा रहे हैं। उन्होंने भाषणी मुकाबले एज अ गेस्ट मैनू आने का मौका मिले और बहुत चंगा लग्या। वेद प्रचार मंडल बहुत वधिया कोशिश हो रही है, अलग अलग जिहड़े बर्निंग इशूज़ है उन्होंने उत्ते बच्चों ने गल की। पूरे पंजाब तो बच्चे आए हुए थे जिन्होंने इस मुकाबले हिस्सा लिया और वातावरण की संभाल तो लैके देश प्यार, शहीद आजम भगत सिंह और शहीदों दहादतों जोड़ा है वह नतमस्तक हुए हैं। कौन से विचार दे रहे हैं ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो अभी जो बच्चों को विचार मिल रहे हैं उन विचारों के अंदर बहुत सारे जीवन निर्माण की बातें नहीं होती हैं। और ये जो मंच है वेद प्रचार मंडल जो लुधियाना के जो इसमें जो टीम है वो इस टीम का इस मंच के माध्यम से युवाओं में बच्चों में विचार देने का काम किया जा रहा है और ये विचार ही व्यक्ति को आगे बढ़ाता है। खुद हमारे समाज को बिलोंग कर आज का फंक्शन बहुत चंगा लगता है। सारी फैमिली शुरू तो 1957 तो मैं दयानंद को समर्पित है। संस्था की तरफ से वेद प्रचार मंडल का तहे दिल से धन्यवाद जिन्होंने इस सराहनीय कार्यक्रम के लिए हमें भागीदार चुना और इस संस्था में ये वैदिक प्रतियोगिता करवाई। यहाँ पर आए हुए सभी जितने भी हमारे अतिथिगण हैं और उनके साथ बच्चे और संस्थाओं के अध्यापक मैं सभी का धन्यवाद करती हूँ। ये कार्यक्रम स्वामी दयानंद जी के 200वीं जयंती के उपलक्ष्य में किया गया था। सनातन धर्म रामा मंदिर जालंधर छावनी की ओर से 24 फरवरी से 3 मार्च तक मंदिर प्रांगण में श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ का आयोजन किया जा रहा है, जिसके तीसरे दिन बड़ी संख्या में भक्तों ने पहुंचकर कथा का श्रवण कर अपना जीवन धन्य किया। इस दौरान कथा वाचकों ने भगवान श्री कृष्ण जी के जीवन से संबंधित दृष्टांत की व्याख्या कर भक्तों को मंत्रमुग्ध किया। इस अवसर पर विकी जिंदल की ओर से आरती की गई। इस कथा ज्ञान यज्ञ में चेयरमैन हरविंदर सिंह पप्पू, प्रधान कमल चौहान, बंटी, पंडित राजेंद्र राजू, प्रभुदयाल, लक्ष्य शर्मा, रविकांत शर्मा, मीनाक्षी शर्मा, अनु शर्मा, गीतांजलि, आशा, सीमा, सरोज रानी सहित असंख्य भक्तजनों ने अपनी हाजिरी लगाई। जालंधर कैंट से हलचल के लिए कैमरामैन जतिन राजपूत की रिपोर्ट। के लगा दिया, हमारा कुछ नहीं छोड़ा, तुम्हारा उनका कुछ नहीं लेना है, सिर्फ अपनी सेवा करते हैं। आप जैसे भक्तों से मांग मांग के करते हैं, आप जैसे भक्त जो दे देते हैं, जो चढ़ा देते हैं, जितनी हमारे पर सेवा हो जाती है उतनी कर देते हैं और नहीं होती तो नहीं होती। इसलिए आपसे ये निवेदन है कि यदि आप देना चाहो तो आपको जो गुरु जी ने किया बहुत बड़ी गल है कि असी जो कल कृष्ण भगवान जी ने साडे केंद्र दे विच जो जन्म लेना है उहदे लई असीं सारे ने आशीर्वाद लैण इत्थे पहुंचना है और गुरु जी दे विचार सुनने हैं। यही बेनती सारे नूं करदे हैं और इसी तरह रामा मंदिर दे अंदर रौनकां लगांदे रहो और आशीर्वाद लैंदे रहो। और अज दी जो आरती है विकी जिंदल जी सारे परिवार वालों और बंटी और सारे मोहित थनी सारे बचपन में बच्चा आता है, थोड़ा सा बच्चा आता है ना, उसकी खुशियाँ कितनी होती घर में। आज बच्चा हमारे घर में आएगा नया तो उसके लिए पहले ही तैयारी हो जाती है खुशियाँ मनाने के लिए। हमने भी कल रामा मंदिर में खुशियाँ ही मनानी है। देखो सबको ये बेनती है कि सारे बच्चे तैयार होकर बच्चे के जन्मदिन पर ये तो लल्ला हिंदुस्तान का लल्ला है, ये तो भगवान जी आप खुद आ रहे हैं। महाशिवरात्रि के अवसर पर शिव मंदिर मोहल्ला नंबर 22 जालंधर छावनी में से प्रभात फेरी निकाली गई, जो कि शिव महिमा का गुणगान करते हुए इलाके की परिक्रमा कर पूर्व पार्षद हरविंदर सिंह पप्पू के निवास स्थान पर जाकर संपन्न हुई, जहां पर हरविंदर सिंह पप्पू के पारिवारिक सदस्यों की ओर से पुष्प वर्षा कर इस प्रभात फेरी का भव्य स्वागत किया गया और आए हुए सभी भक्तों के लिए विशाल भंडारे का आयोजन भी
किया गया। इस मौके पर गीतांजलि, रीतिका, सेजल, लक्ष्य, आकांक्षा, वनीता, पूजा, विकी जिंदल, अनुज शर्मा, मोहित, ममता, शमा, सुरेंद्र सिंह शिंदा, भूपेंद्र सिंह बिट्टू, भोलू, किरण, राजकुमार राजू, गुरशरण सिंह टक्कर, मोनू जिंदल, बॉबी सहित असंख्य शिव भक्त भी मौजूद रहे। जालंधर कैंट से हलचल के लिए कैमरामैन जतिन राजपूत की। मंदरा दे बूहे अज खान दे ओ मेरे बोली कि हर साल की तरह इस साल भी प्रभास फेरी जो कि भोलेनाथ की निकलती है रामबाग तो वो कनिष्ठ कन्नू प्रधान और अज जो कि साढ़े नवासते आई है वो असी सारू कैंट के निवासियों लख लख बधाई दें और चेचे तौर पर राजकुमार राजू गुरशरण सिंह टक्कर डॉक्टर संजीव और साढ़े मथुरा वृंदावन तो गुरु जी आए उन्होंने आके भी इतने दर्शन दिते और लंगर दी आयोजना की गई सी। मैं अपने वालों अपने सारे परिवार वालों सारू लख लख बधाई देना जो कि बहुत जल्दी 27 तरीक न जो कि शोभा यात्रा बजरंग भवन तो भोलेनाथ जी निकलनी है वो सारे ने आके भाग लेना है। मैं अपने वालों फिर सारू इतने आने लख लख बधाई देना। और अब अंत में हलचल की गतिविधियों पर एक नज़र। फिर अमृतसर में दिवाली की रात गोलियां चलाकर व्यक्ति का कत्ल करने वाले दो मुख्य आरोपियों को पुलिस ने किया काबू। दो पिस्तौल, 32 बोर, 4 मोबाइल फोन, 2 इंटरनेट डोंगल की बरामद। अमृतसर के गुरु बाजार में लुटेरे लाखों का सोना लूट हुए फरार, कारिंदे से जमकर की मारपीट। विजिलेंस ब्यूरो अमृतसर रेंज ने इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट के जेई और क्लर्क को रिश्वत लेते रंगे हाथों किया काबू। रिश्वत के 50,000 रुपए भी किए बरामद। इसके साथ ही अब तक की गतिविधियां समाप्त होती हैं और ताजा जानकारी के लिए देखते रहिए हलचल।